समर्पण जीवन को सहज और सरल बना देता है। कई बार आप सोचते होंगे कि पूजा पाठ करने से होता क्या है, तो ये प्रसंग सुनो और जानो कि पूजा पाठ करने से होता क्या है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वडोदरा से थोड़ा सा दूर एक कस्बा था, छोटा सा गांव। वहां एक सरकारी अध्यापक थे, मनसुख राव, बच्चों को पढ़ाते थे। ठाकुर जी के अनन्य भक्त, भगवान की बहुत आराधना करते थे, स्कूल में भी पूजा पाठ करवाते थे, हर पूर्णिमा को भगवान के मंदिर जाते थे। वहां गांव से ट्रेन पकड़ करके उन्हें जाना पड़ता था शहर में वडोदरा, तो पूरा दिन लग जाता था। उस दिन वो छुट्टी करते थे, और जिस दिन वो छुट्टी करते थे उस दिन बच्चों को समझा कर जाते थे कि पढ़ना क्या है। बच्चों को इतना पढ़ा रखा था, इतना तैयार कर रखा था कि वो एक दिन ना भी आए तो बच्चों का काम चल जाता। लेकिन गांव के लोग इस बात से जलते थे, चिढ़ते थे कि हम तो फीस भरते हैं लेकिन ये मास्टर जी जो हैं यहां से चले जाते हैं एक दिन छुट्टी लेकर, ये तो बड़ी गलत बात है। लेकिन ये सिलसिला चल रहा था, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, बच्चों को वही सिखाना, उनकी पढ़ाई करवाना, और हर पूर्णिमा को ट्रेन पकड़ना और ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाना। गांव वालों ने शिक्षण अधिकारियों को शिकायत कर कहा कि मनसुख राम जी स्कूल छोड़ करके कहीं चले जाते हैं, पूरा दिन स्कूल में नहीं रहते, बिना बताए छुट्टी लेते हैं। तो गांव में शिक्षण अधिकारी आए जांच पड़ताल करने के लिए, स्कूल में गए। जब स्कूल में पहुंचे तो देखा मनसुख राम जी वहीं थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। अधिकारियों ने एक दो सवाल पूछे बच्चों से, बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। शिक्षण अधिकारी बड़े खुश हुए बच्चों के तौर तरीके देख करके, उनके संस्कार देख करके, उनका अनुशासन देख करके। मनसुख राम जी को बधाई दी, बच्चों को इनाम दिया। अब गांव वालों को लगा कि ये क्या हुआ, हम शिक्षण अधिकारी को ये बोलना भूल गए कि वो हर पूर्णिमा को जाते हैं, तो इस बार शिकायत करेंगे तो बताएंगे कि हर पूर्णिमा को जाते हैं। तो कुछ दिन बाद गांव वाले फिर पहुंचे शिक्षण अधिकारियों के पास शिकायत करने के लिए। बोले कि देखिए, हम बताना भूल गए कि वो हर पूर्णिमा को स्कूल से गायब होते हैं, कहां जाते हैं किसी को नहीं पता, स्कूल नहीं आते, बच्चों के परिणाम बेकार आ रहे हैं। शिकायत करके आ गए गांव वाले। अब इस बार पूर्णिमा पर शिक्षण अधिकारी आ गए सुबह सुबह, और इधर मनसुख राम जी सुबह की ट्रेन पकड़ करके ठाकुर जी के दर्शन करने चले गए। अब ये खबर लगी मनसुख राम जी की पत्नी कि शिक्षण अधिकारी आए हैं, और मनसुख राम जी तो जा चुके हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। मनसुख राम जी की पत्नी घबरा गई, भाग कर गई ठाकुर जी के पास अपने घर के मंदिर में। ठाकुर जी को बोली कि ठाकुर जी, आज शिक्षण अधिकारी आए हैं, गांव वालों ने शिकायत की है, यदि कुछ हो गया, कोई कार्यवाही हुई तो कल लोग क्या कहेंगे कि ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे इसलिए ऐसा हो गया। अब देख लो, आपका और आपके भक्त का मामला है, आप कैसे संभालेंगे ये आपके ऊपर है, बस बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। ठाकुर जी से शिकायत भरी प्रार्थना की। अब प्रार्थना हो गई, इधर शिक्षण अधिकारी स्कूल पहुंचे। जब स्कूल पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां पर मनसुख राम जी बच्चों को पढ़ा रहे, भगवान का नाम जप रहे। शिक्षण अधिकारी जी देख करके प्रसन्न हो गए। जब मनसुख राम जी की आंखें खुली, बच्चों की आंखें खुली और शिक्षण अधिकारियों को देखा, तो मनसुख राम जी बोले, अरे महोदय आप, अरे आप बता देते तो मैं आपके आने के लिए तैयारी कर लेता। तो शिक्षण अधिकारी बोले, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, आप शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी सिखाते, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर से शिक्षण अधिकारियों ने मनसुख राम जी और विद्यार्थियों को इनाम दिए। गांव वाले चुपचाप देखते रह गए कि आज ये कैसे हो, मनसुख राम को कैसे पता लग गया कि आज शिक्षण अधिकारी आएंगे, हमने शिकायत की, ये यहां विद्यालय में कैसे उपस्थित, आज क्यों नहीं गया ये। गांव वाले चुप थे, शिक्षण अधिकारियों ने विदा ली, विदा लेकर जाने लगे। थोड़ा ही दूर पहुंचे थे, देखा सामने से मनसुख राम जी आ रहे हैं, और मनसुख राम जी ने शिक्षण अधिकारियों को देखा, भौचक्के रह गए। मनसुख राम जी बोले,
साहब आप आज आपको आना था तो बता देते, मैं ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाता। तो शिक्षण अधिकारियों ने कहा कि मतलब समझे नहीं, आपसे मिले तो थे अभी हम, आप यहां कैसे, आप तो विद्यालय में थे। मनसुख राम जी ने कहा कि क्या मतलब। तो शिक्षण अधिकारियों ने कहा कि हम आपसे मिले थे, आप विद्यालय में थे, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, आप यहां कैसे। मनसुख राम जी समझ गए ये मेरे ठाकुर की लीला है। मनसुख राम जी बोले कि मैं तो अपने ठाकुर के दर्शन करने गया, तो मेरी जगह वहां ठाकुर जी खड़े, ठाकुर जी मेरी नौकरी कर रहे थे, ठाकुर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। और भाग करके मनसुख राम जी विद्यालय गए, पीछे पीछे शिक्षण अधिकारी, उनके पीछे पीछे पूरा गांव। बात गांव में आग की तरह फैल गई, सारे गांव वाले विद्यालय में आ गए। मनसुख राम जी पहुंचे अपनी कक्षा में, उस कुर्सी को देखा जिस पर बैठकर ठाकुर जी ने बच्चों को पढ़ाया था, उस कुर्सी की परिक्रमा की और शिक्षण अधिकारियों को बोले ये लीजिए मेरा इस्तीफा, ऐसी नौकरी का क्या फायदा, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए मेरे ठाकुर को नौकरी करनी पड़ गई, तो ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। मेरा ठाकुर सब कुछ छोड़ करके यहां बच्चों को पढ़ाने आया ये साबित करने के लिए कि मैं विद्यालय में हूं, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। और मनसुख राम जी ने इस्तीफा दे दिया। गांव वालों ने खूब समझाया, शिक्षण अधिकारियों ने खूब समझाया, सबने माफी मांगी। मनसुख राम जी ने कहा कि आप लोग नहीं समझ सकते, जिस दिन ठाकुर आपको मिल जाएगा ना उस दिन आप समझो, ये विश्वास की बात, यही तो मैं आपसे कहता हूं। जिस दिन ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, जिस दिन आपका विश्वास अनुभव में बदल जाएगा, उस दिन जीवन का हर पल चमत्कार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। ये प्रसंग हमें किरण गोस्वामी जी ने भेजा था, वो चाहती थी कि हम आपको सुनाएं। इस प्रसंग को पढ़कर मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे यकीन है आपको भी आनंद आया होगा। लेकिन मेरी ये बात मानिएगा जरूर कि अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।